हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। लाल मिर्ची का सीजन आने वाला है तो आज हम बनाएंगे तीखा चटकारेदार लाल मिर्ची का अचार। इस अचार को आप साल दो साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 400 ग्राम मिर्ची ली है, इसे मैंने पानी से अच्छी तरह से धोकर कपड़े से साफ कर लिया है। ये मैंने 250 ग्राम रेडीमेड अचार का मसाला लिया है। अगर आप घर का मसाला यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी भी क्वांटिटी मैं आपको आगे बताऊंगी। और अगर आपको मार्केट का ही मसाला लेना है तो ये मैंने नीरज का मसाला लिया है। आप इसकी जगह दूसरी कंपनी का भी मसाला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे नीरज का मसाला बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप घर के मसाले यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी भी मैं क्वांटिटी आपको बताती हूँ। तो ये मैंने 4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 4 चम्मच धनिया पाउडर, 5 चम्मच राई, आधा चम्मच हींग, 4 चम्मच नमक, 5 चम्मच सौंफ, 4 चम्मच मेथी दाना और 2 चम्मच हल्दी। और खटाई के लिए ये मैंने आधा चम्मच टाटरी लिए, मतलब ये मैंने नींबू का सत लिया है। सभी मसालों को मिक्सर में दरदरा पीस लेंगे। इसका आपको बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है। अब हम क्या करेंगे, जो ये मिर्ची के डंठल है इसे काट कर और बीच में से इसमें हम जीरा लगाएंगे। इस तरह से सभी मिर्ची को हम तैयार कर लेंगे। ये मैंने सभी मिर्चियों को काट कर तैयार कर लिया है। अब हम मसाले में टाटरी डालेंगे। तो ये मैंने आधा चम्मच टाटरी ली है। मसाले में खटाई नहीं है इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आपके मसाले में खटाई है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अचार में खटाई होना ज़रूरी है इसलिए मैंने इसमें टाटरी डाली है। तो अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम सभी मिर्चियों में मसाला भरेंगे, तो इसके बीज नहीं निकालना है आपको। और इसे हम इस तरह से अच्छी तरह से दबा दबा कर इसमें मसाला भरेंगे। अच्छे से आपको मसाला भरना है इसमें। इस तरह से हम सभी मिर्चियों में मसाला भर लेंगे। मिक्सर में मसाला आपको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, दरदरा ही आपको पीसना है। इसमें हम थोड़ा सा ऊपर से भी मसाला डाल देंगे और इसमें अब हम ऊपर से सरसों का तेल डालेंगे अच्छी तरह से। ये हो गया है लाल मिर्ची का अचार तैयार। आप इसे एयरटाइट कांच की बॉटल में भरकर स्टोर कर लें। अभी मैंने थोड़ा सा अचार बनाया है। अगर आप ज़्यादा अचार बना रहे हैं, मतलब साल दो साल के लिए, तो इसमें 1 चम्मच सिरका डाल दें, इससे आपका अचार ख़राब नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा और तेल डालेंगे। फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अचार जब भी बनाएं तो अचार में तेल ऊपर तक होना चाहिए, मतलब अचार पूरी तरह से डूब जाना चाहिए। इससे आपका अचार ख़राब नहीं होगा और फफूंद भी नहीं आएगी। ये मैंने अभी इंस्टेंट बनाया है खाने के लिए, इसलिए मैंने इसमें तेल कम डाला है। ये देखिए अचार कितना सुंदर लग रहा है और खाने में भी उतना ही यमी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।